पावर प्रोजेक्ट वो दिखाएंगे, तो पावर पॉइंट्स देखने के बाद क्या मुद्दे उसमें आएंगे उसके ऊपर अगर हमारे को कोई संशय है, डाउट है, तो फिर उनको पूछा जाएगा। उससे पहले हम कमेंट करना ये ठीक नहीं होगा, इसीलिए जब वो देखेंगे सुनेंगे, क्योंकि ऑल पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व है, सभी मिलके उनकी सरकार की क्या मंशा और क्या उन्होंने किया, क्या करना है, ये सब देखने के बाद हम वहाँ रिएक्ट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। एक सवाल और है, जो सरकारी संपत्ति लगातार निजीकरण करने पर कांग्रेस पार्टी सरकार की आलोचना कर रही है, सरकार का कहना है कि सरकार इसे बेच नहीं रही है, कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस गुमराह नहीं कर रही, जो 70 साल में हमने संपत्ति बनाई है और देश में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पब्लिक सेक्टर में जो संपत्ति बना के रखी है उसको बेचने की साजिश आप लोग इसलिए कर रहे हैं, आपके जो चुनिंदा कैपिटलिस्ट है उन लोगों को आप ये बेचना चाहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। इससे देश का भी नुकसान होता है, दूसरी तरफ जो पब्लिक सेक्टर्स में या बहुत से कंपनियों में जो रिजर्वेशन थे बैकवर्ड्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए और आजकल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी 10% रखे हैं, तो उनके अश्योर्ड जॉब भी चले जाएंगे। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार ऐसे चीजों में हाथ नहीं डाले, जो सरकार की संपत्ति है उसको बचा भी रखे, उसमें इम्प्रूवमेंट करे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, और एम्प्लॉयमेंट जिस अगर नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ हाईसो संपत्ति बेच के खाएंगे, जो कांग्रेस ने डिपॉजिट रखी है बैंक में अगर आप विथड्रॉ करते जाएंगे तो देश इंसॉल्वेंट हो जाएगा। सर, पंजाब डेडिकेटली आपने सॉल्व किया, लेकिन पंजाब का विवाद फिर सामने है, सर कैसे निपटेगा? राहुल साहब, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।